वॉर जोन में यूक्रेन ने रूसी फौज को कैसे बड़ा झटका दिया है? क्या रूस के पास लंबी दूरी की मिसाइलों का भंडार खत्म हो रहा है? ग्राउंड जीरो पर मौजूद TV9 भारतवर्ष की एक्सक्लूसिव रिपोर्ट आपके सामने होगी। महाविध्वंस से जुड़ी खबरों का अपडेट वर्ल्ड वॉर टॉप 9। वॉर जोन में यूक्रेन का रूस के सैन्य ठिकानों पर विध्वंसक हमले का वीडियो सामने आया है। यूक्रेन ने मल्टी लॉन्च रॉकेट सिस्टम से रूसी ठिकानों पर ताबड़तोड़ रॉकेट अटैक किए हैं। यूक्रेन के इस हमले में रूसी फौज के ठिकाने मिट्टी में मिल गए। रूस यूक्रेन जंग में दोनों देशों की सेनाओं की ओर से ड्रोन हमले और तेज हो गए हैं। वॉर जोन में रूसी फौज ने यूक्रेनी सैन्य बलों के काफिले पर लैंगटैंक कामिकेज ड्रोन से हमला बोला। इस हमले में कई यूक्रेनी होवित्ज़र खाक हो गए। रूसी सेना कई मोर्चों पर आगे बढ़ रही है। यूक्रेनी फौज को रोकने के लिए ड्रोन अटैक को मजबूत हथियारों के तौर पर इस्तेमाल कर रही है। डोनेस्क में रूसी फौज ने पहले ड्रोन कैमरे के जरिए यूक्रेनी टैंक की लोकेशन का पता लगाया और ड्रोन के जरिए बमबारी की। ये अपने घर में जो दो एक्स्ट्रा बेडरूम है उसमें होम स्टे बिजनेस करके महीने का 60,000 कमा रहे हैं। आपको भी ये करना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। कई टैंकों को नेस्तनाबूद कर दिया गया। खार्किव से रूसी फौज के जाने के बाद यहां नष्ट हुए रूसी हथियारों का बहुत बड़ा जखीरा मिला है। यूक्रेन ने बर्बाद हुए रूसी हथियारों के जखीरे का वीडियो जारी किया है। महीनों की जंग के बाद यूक्रेन की सेना ने खार्किव को रूसी कब्जे से आजाद कराया है। बैटलफील्ड में यूक्रेनी आर्मी के जबरदस्त हमले का वीडियो सामने आया है। खेरकोन के निप्रो नदी के करीब यूक्रेनी आर्मी आर्टिलरी फोर्सेस ने रूसी फौज के काफिले पर बड़ा हमला किया है। इस हमले में यूक्रेन ने रूसी फौज के कई तोपों को उड़ा दिया। यूक्रेन के मिकोलेव में रूसी फौज ने यूक्रेनी ठिकानों पर बहुत बड़ा हमला किया है। रूस ने इस हमले में यूक्रेन के सेल्फ प्रोपेल्ड गन एकेसिया को उड़ा दिया। रूस के इस हमले में यूक्रेनी आर्मी के 6 जवानों की मौत हो गई। इस हमले के बाद यूक्रेन की ओर से बड़े पलटवार की आशंका जताई जा रही है। कीव रीजन में हुए रूसी मिसाइल अटैक में हुई तबाही का TV9 भारतवर्ष संवाददाता आशीष सिंह और कैमरामैन कपिल ने मौके पर जाकर जायजा लिया। 23 नवंबर को हुए हमले में 8 लोगों की मौत हो गई थी। ब्रिटेन के रक्षा मंत्रालय ने दावा किया है कि रूस के पास लंबी दूरी के मिसाइलों का भंडार काफी कम हो गया है, जिसकी वजह से रूसी फौज पुरानी न्यूक्लियर हथियारों को कैरी करने वाले क्रूज मिसाइलों के इस्तेमाल की जगह कन्वेंशनल वॉरहेड के साथ मिसाइलें यूक्रेन पर ताक रहा है। यूक्रेन के साथ जारी जंग के बीच रूसी राष्ट्रपति पुतिन ने अपने सैन्य कमांडरों से वॉर जोन में 50 लाख सैनिकों की तैनाती के आदेश दिए हैं। पुतिन ने यूक्रेन के साथ जारी जंग को नाटो के साथ युद्ध करार देते हुए कहा है कि इस जंग को जीत के साथ खत्म करने के लिए 50 लाख सैनिकों की जरूरत है। ये अपने घर में जो दो एक्स्ट्रा बेडरूम है उसमें होम स्टे बिजनेस करके महीने का 60,000 कमा रहे हैं। आपको भी ये करना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए।